हमारे प्रधानमंत्री जी का, जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की मां मर जाती है उसके लिए तो चिट्ठी लिखी जाती है। हमारे यहाँ 125 किसान शहीद हो गए, उनके लिए आज तक एक शब्द एक लफ्ज नहीं फुटा हमारे प्रधानमंत्री जी से। गृह मंत्री जी तो खुद तड़ी पार है, वो हमसे क्यों मिलना होंगे, वो तो खुद तड़ी पार है। कि मेरे पास 2 दिन पहले खबर आ चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल के लोग आप पे किसी रात को हमला कर सकते हैं। आपके टीवी चैनल में मैं नाम नहीं लूंगा उसको। गाजीपुर बॉर्डर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे आसपास देख सकते हैं बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर आ चुका है। जिस तरीके से परसों यहाँ पर कई घटनाएं हुई थी, कुछ लोग मेरे साथ बात करने के लिए हैं। मैं शुरुआत करता हूँ, आपका नाम? सुंदर डागर। कहाँ से हैं? जिला बागपत। जिला बागपत से हैं आप? आप मुझे बताइए, परसों जिस तरीके का यहाँ माहौल बना था, बड़ा डर का माहौल बन गया था, इधर पूरे में पुलिस फोर्स की तैनाती थी, आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ? उस टाइम मौजूद नहीं थे, हम 26 जनवरी पे रैली करके गांव पहुँचे थे। भाई चलो ठीक है, शांत माहौल है, आराम मिलेगा, आराम करने घर पहुँचे थे। हमने देखा परसों रात के टाइम जैसे भी हुआ था कि हमारे जो बाबा टिकैत है, राकेश टिकैत, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमने जब वहाँ देखा, लाइव देखा, तो हम पे किसी को वहाँ रुके नहीं गया। ठीक है, हमने सबने क्या आसपास फ़ोन किए यार दोस्तों के पास, हमने वहाँ से जब भी फ़ोन किया, जलालाबाद मेरी ससुराल है, जलालाबाद में साला है। ठीक है, ये वहाँ से सबसे पहले जल लेकर आए। और रही बात जल की, बाबा टिकैत ने सिर्फ जल मांगा था, अगर ये जड़ी बूटी मांगते ना तो हम एक बार जड़ी बूटी भी लाकर इनको दे देते। तो सरकार प्रशासन के जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो सब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोगों पे कि सब अपने घर चले गए थे, मगर टिकैत साहब के रोते ही, उनके आंसू देखते ही आप लोग वापस भाग के आ गए। किस बात की राजनीति है ये? सब घर नहीं गए थे, यहाँ पर 700-800 किसान थे। अच्छा, ये मीडिया जो है गलत दिखाती है हमेशा। 700-800 आदमी यहाँ पर थे और दूसरे दिन हमारे आते हैं वे चले जाते हैं। और बताइए, प्रधानमंत्री ने अभी बिल्कुल ताज़ा बयान आया है उनका, उन्होंने कहा है कि हम किसानों की सारी बातें बड़े प्यार से बातों से सुलझाएंगे। 63वां 64वां दिन आज आप उनका बयान, आज तक ना कोई आया ना आएगा, ये सब झूठी बातें हैं। 125 किसान शहीद हुए हैं आज तक, अगर कोई वहाँ पर किसी मॉडल या किसी लेडीज का बच्चा हो जाए ना, मॉडल का, एक्टरनी का, तो उसको सहानुभूति देने पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ किसान शहीद हो रहे हैं, यहाँ कोई ट्वीट नहीं किया आज तक कोई भी। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का, जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की मां मर जाती है उसके लिए तो चिट्ठी लिखी जाती है। हमारे यहाँ 125 किसान शहीद हो गए, उनके लिए आज तक एक शब्द एक लफ्ज नहीं फुटा हमारे प्रधानमंत्री जी से। गृह मंत्री अमित शाह जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनसे मिलने पहुंच गए थे अस्पताल में, पर किसानों से मिलने नहीं आए थे। किसान भी तो घायल हुए थे। बिल्कुल हुए, घायल नहीं हुए, किसान हमारे शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी तो खुद तड़ी पार है, वो हमसे क्यों मिलने आएंगे, वो तो खुद तड़ी पार है, उससे हमें क्या बात करनी है तड़ी पार से। ये हम लोगों ने उसके सत्ता उनके हाथ में दे दी, गुंडों के हाथ में। जब तो हमारे बाबा टिकैत को इनके आंखों के आंसू खून बन के बहेंगे, कोई खाली ऐसा नहीं जाऊंगा। सत्ता पूर्ण बहुमत से बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों के, हम सब ने वोट डाला था उन्हें, ठीक है, पर अगर इस वक्त तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी जी वापस ले लेते हैं तो दोबारा से आप समर्थन करेंगे बीजेपी? बाद में सोचेंगे, जो गलती करनी, विचार लगाऊंगे अपना, करना क्या है। अभी तो जो हमारी मांगे हैं, हम इस पर अड़िंग हैं, प्रधानमंत्री जी सत्ता हमारी इस चीज पर ध्यान देवे, आगे की बात ना करें हमसे, आगे की बात आगे देखेंगे। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरी बात एक समय में नहीं आई कि मेरे पास 2 दिन पहले खबर आ चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल के लोग आप पे किसी रात को हमला कर सकते हैं। आपके टीवी चैनल में मैं नाम नहीं लूंगा उसको, बैठता था विचार नहीं करा। मेरी बैठता कि मैं राकेश टिकैत बताओ, कहता रहे तुम रविंद्र सिंह क्या बात कर रहे, रविंद्र जवाड़ी ऐसा कुछ नहीं। और ये जब हुआ, देखिए पलवल में उसी समय ये लोग पहुँचते हैं, यूपी गेट पर उसी समय पहुंचते हैं, सिंधु बॉर्डर पर पहुंचते हैं, टीकरी बॉर्डर पर पहुंचते हैं। मेरी एक बात से मैं नहीं आ रही, एक साथ कि फोर्स हमारी साथ में रहेगी और आप लोग आगे रहेंगे, नारे लगाएंगे और जो है आप अपना काम करना, वो काम करा। और यहाँ पर भी, अरे सुन लो, वहाँ तो बहुत संख्या थी, वहाँ तो पलवल में बहुत संख्या थी, यहाँ तो हम थोड़े ही लोग थे। हम जब राकेश टिकैत को खबर दी हमने, मैं कहा साहब वो विधायक जो है वह दो यहाँ पर 200 गुंडे लेकर के आ गया है, तो राकेश टिकैत ने कहा अधिकारियों को कि जाइए, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और जो है उसने कहा साहब नरेश टिकैत ने, कौन होता है नरेश टिकैत, सुन लो ये गुंडे आए हैं, हम इनको अल्टीमेटम देते हैं कि गोली चलेंगे, हम तैयार है उसकी गोली खाने के लिए। अल्टीमेट 2 विलियन
पिक्चर का बिल्कुल क्लाइमेक्स चल रहा था, आप लोग दौड़ रहे थे, कहना कुछ ही मिनटों में ये यूपी गेट का नज़ारा कुछ और होगा, लोग अपने बिस्तर बांध रहे हैं और अभी जो है पिक्चर का जो है एंड आने जा रहा है। लेकिन विलियन आए और विलियन हमारे पे दबाव बढ़ना चाहते थे, लेकिन हमारा हीरो राकेश टिकैत उनको ललकार सामने जो है और हम गोली खाने को तैयार है। और हम भी जो है हमारे अलर्ट जवान, मैं उस दिन रात को यहीं पर मौजूद था, हमारे जवान कहने आप जीते और ये अधिकारी भागा, यहाँ से कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और मुझे फख्र है जवानों का, सारे जवान, सारी औरतें, सरदारों की पूरी राजखंड में यहाँ जट गई राकेश टिकैत, अगर तुम्हारे पास आएगी उससे पहले हम जट जाएंगे, फख्र है हमें। आज हमारे साथ में पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा, पूरा वो है, सब कुछ खड़ा है और आंदोलन हमारा बरकरार चल रहा है। मैं एक बात पूछनी चाहूँ, हमारे पर दूसरा आरोप लगता है कि झंडे का, जो लोग वहाँ पर गए, आप लोगों की जानकारी बता रहा, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, लाल किले पर जाने वालों के लिए रास्ता खुला था और आने वालों के लिए रास्ता बैरिकेडिंग बंद थी। अच्छा। ताकि लोग ये आप इंक्वायरी करें। हाँ। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, मेरी कई चैनल वालों से बात की। हाँ। उन्होंने कहा कि जो जाने का रास्ता था वो खुला हुआ था। हाँ। और आने का रास्ते में बैरिकेडिंग थी, ये सब प्री प्लान थी कि झंडा फहराया जाए, बदनाम कर। वे कहते हमारे आदमी नहीं थे, अरे वे भी आरएसएस का आदमी था, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है उसका, सिद्धू का, हमारा नहीं है। उसका फोटो जो है सनी देओल के साथ में, अरे वो तो हो गया है, हमारा नहीं है। वो अमित शाह के साथ में बैठा वार्ता करता है, बैठा है, प्लान बना रहा है, उन्होंने कहा हमारा आदमी नहीं है और हमारे पे आरोप लगा। अरे हम तो कहते हैं अगर डाले और 26 जनवरी में कोई भी आदमी है अगर वो ऐसी हरकत करी है उसको जो सजा मिले हम उसके तैयार है। हमारे आंदोलन के साथ में कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, चाहे मैं हुए चौकू, उसको हम सहन नहीं करेंगे। आज पूरे देश का, हिंदुस्तान किसान का राकेश टिकैत के साथ में है और हम सब किसान यूनियन। जी मैं आपसे बात करता हूँ, आपका नाम बताइए। अरविंद चौधरी। आप कहाँ से? हम हरसाओं की मंडी है, गाजियाबाद। आप मुझे बताइए, अभी इस किसान आंदोलन पे एक और इल्ज़ाम लगा रही है सरकार प्रशासन के, ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा है, राजनीतिक आंदोलन बन चुका है क्योंकि इसमें नेता घुस गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये आंदोलन किसानों को था, किसानों को है, किसानों को चलता रहेगा। क्या नेता आज की तारीख में किसान के बेटे नहीं हैं? क्या जो नेतागिरी कर रहे हैं किसान के बच्चे नहीं हैं? क्या पुलिस प्रशासन में किसान के बच्चे नहीं हैं? क्या पुलिस प्रशासन में या नेतागिरी में जो किसान के बच्चे हैं वो किसान नहीं रहे आज? अगर कोई नेता आज हमारे मंच के पास आता, हमने मंच पे किसी को साझी नहीं किया आज तक, हम मंच के पास आता है, सपोर्ट करने आता है, किसान का बच्चा नहीं है वो, उसका अधिकार नहीं रहा क्या? किसान उसका बाप किसान नहीं रहा क्या? क्या आज जब नेता बन गया तो आज किसान की उसकी किसान की पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं? ये किसान की समस्या को समझता नहीं है क्या वो? उसका उसने बचपन में अपने खेत में काम नहीं किया क्या? खेती नहीं चलाई, खेतीबाड़ी नहीं करी क्या? सरकार प्रशासन ने शर्तें रख दिया अब आप लोगों के सामने, कि अब आपसे हम अगली बैठक जब ही करेंगे जब आप हमारे प्रस्ताव को मान लेंगे, जो 1.5 साल कानून रद्द करने का प्रस्ताव है उस पर क्या कहेंगे? शर्तें शुरू हो गई अब किसानों के। हम किसी शर्त को मानने को तैयार नहीं है, कानून वापसी जब ही घर वापसी। अरे वाह, अब हम शर्तें नहीं सुनेंगे, अब सरकार को हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, अपनी शर्तों में मनाऊंगे सरकार को, जब ही जाएंगे, जब कानून वापसी तभी घर वापसी। कानून वापस नहीं हुआ है? वापस नहीं, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पक्के मकान बनाएंगे, समर सेवल करेंगे, यहीं रहेंगे। इंटे पहुंच गए आज।